देखिए ये बेसिक क्वालिटीज है कुछ, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। सच्चाई का एक पार्ट ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी का पार्ट सच्चाई नहीं है, क्योंकि चार धर्म के जो स्तंभ बताए गए हैं वो क्या है, सत्यता, दूसरा दया, तीसरा बोलो सुचि, चौथा तपस्या। तो सत्यता के अंदर ही ऑनेस्टी आती है, क्या आती है, ईमानदारी। तो कलयुग के अंदर सिर्फ एक ही धर्म का पांव जो है वो बचा हुआ है, वो है सत्यता। वो क्या है, तो यदि आप सत्य हैं और सत्यता से सत्य को ढूंढ रहे हैं, किससे, हाँ सत्य मतलब आई एम रियली सीरियस, सीरियस का मतलब क्या है बताइए यार, तू पढ़ियो ना एकदम, तू ट्रुथफुल पढ़ रहा है ना, ट्रुथफुली तू बोल रहा है ना कि पढ़ रहा है, पूछते हैं ट्रुथफुली तूने ये काम कर दिया ना, सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, एक्चुअली मतलब क्या सिंसियरिटी का, कि तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो आपको सत्यता से सत्य की खोज करनी चाहिए, क्योंकि आप सत्यता से सत्य की खोज नहीं करते, इसीलिए आप सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते। परंतु सत्यता से सत्य की खोज करने के लिए आपको भी सत्य होना पड़ेगा, समझ में आया जो मैंने बोला आपको। और ये नहीं कि मैं अध्यात्म में सत्य हूं और भौतिक में झूठा, डिसऑनेस्ट, नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलता, क्योंकि स्वभाव, ये दोनों ऑपोजिट स्वभाव हैं। क्या है प्रभु जी, दोनों विपरीत गुण हैं। ये हम में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, भगवान में कर सकते हैं। बताया ना भगवान की एक डेफिनेशन क्या बताई परम सत्य की आपको, कि उनमें दो विपरीत गुण एक साथ रह सकते हैं, उनमें दो विपरीत गुण एक साथ रह सकते हैं, परंतु हम में नहीं। ये हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है कि दो विपरीत गुण हमारे साथ एक साथ रह सकते हैं। तो इसीलिए पहली चीज, हमें हर क्षेत्र में सत्य होना पड़ेगा, हर क्षेत्र में। और पहली चीज सत्य किसमें होना पड़ेगा, कि मेरी गलतियां क्या हैं, मेरी गलतियां क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। तो पहले सत्य बनिए, बेईमान रहे होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी थे, जन्म जन्मांतर से बेईमानी किसके अगेंस्ट कर रहे थे, भगवान के। ध्यान रखिएगा, अगर हम टॉप के अगेंस्ट बेईमानी कर सकते हैं तो नीचे वालों की तो बात ही छोड़ो, सही बात ही नहीं, बोलते अरे ये तो चेयरमैन का बेवकूफ बनाता है, बाकी तो क्या रह गया फिर, डायरेक्टर, MD, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये तो सब घास खाते हैं इसके सामने, क्योंकि साहब ये तो चेयरमैन का ही बेवकूफ बनाता है। तो इसी तरीके से जब आप बेईमानी कर रहे हो कृष्ण के साथ, किसके साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ, परम सत्य के साथ आप बेईमानी कर रहे हो, तो नॉर्मल के साथ बेईमानी करने में आपको हिचक भी नहीं होगी। इसलिए माल उड़ा लेते हैं भगवान का और हिचक भी नहीं होती, फिर आपस में बराबर बराबर बांट के बोलते हैं हम ईमानदार हैं। देखिए ईमानदार की क्वालिफिकेशन, तो इसलिए जो मैंने आपसे बात, सिंसियरिटी, आपकी सत्यता का, वो सत्य होना है, ये कैसे पता लगेगा, तो इसलिए हर टाइम ध्यान रखिएगा, कभी जीवन के अंदर जीवन के उद्देश्य को मत भूलिएगा। कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, उसमें एक ही चीज याद रखिएगा, क्या ये कार्य मेरा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति इसको बढ़ाएगा, क्या मेरा प्रेम राम जी के प्रति बढ़ेगा, क्या ये भक्ति पथ पर मेरे को अग्रसर करेगा या नहीं। जैसे मुझे कई बार लोग फोन करके पूछते हैं प्रभु जी जॉब छोड़ दी है दूसरी जॉब क्या लूं, मैंने वो जॉब ले जिसमें काम कम करना पड़े जिससे कि भगवान की सेवा ज्यादा कर सके। बोला प्रभु मिल रही है गुरु जी परंतु उसमें सैलरी कम है, और ये मैंने कहा अगर कम सैलरी में तो ये भगवान की सेवा मिल जाए इससे बड़ी कोई चीज तो हो ही नहीं सकती बेटा, तू क्या 10-20-50 हजार को छोड़ेगा
जो तुझे मिल रहा है ना वो अनमोल है। क्या है वो? अनमोल है, क्योंकि उसके रिजल्ट में जो तू ले रहा है वो सनातन है। वो क्या है? और उस 50 लाख 50,000 50 करोड़ से जो तू खरीदेगा, जो अपने जीवन में लाएगा, वो सबका सब क्या होगा? अस्थाई होगा, टेम्पररी होगा, चला जाएगा। इसीलिए वो सत्य नहीं कहलाता। सत्य किस का मतलब होता है? जो सनातन है। सत्य सत है, सनातन क्या है?